आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, एडिशनल SP अभिषेक वर्मा पुलिस कंट्रोल रूम में कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2005 में मृतिका कल्पना दास बेटी बबली दास 2011 से 2016 तक आरोपी पूर्व विधायक के साथ रहती थी। मृतिका ने जब शादी का दबाव बनाया तो पूर्व विधायक अनूप साय ने हत्या कर दी। उड़ीसा रायगढ़ आकर किसी मंदिर में शादी करने की बात कहकर आरोपी ने मृतिका एवं उसकी नाबालिग बेटी को लाया। फिर संबलपुरी में लोहे के रॉड से अपने ड्राइवर के साथ मिलकर प्रहार किया। फिर दोनों घायल महिला एवं उसकी बेटी पर वाहन चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। डबल मर्डर केस के 4 साल पुराने मामले में जब रायगढ़ पुलिस ओडिशा बीजू जनता दल के पूर्व विधायक एवं स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन अनूप साय को हिरासत में लेकर रायगढ़ पहुंची तो पूर्व विधायक के चेयरमैन पद से भी हाथ धोना पड़ गया। साथ ही उन्हें उड़ीसा की सबसे लार्जेस्ट पार्टी और सरकार बनाने का रिकॉर्ड बना चुकी बीजू जनता दल से भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए सदस्यता छीन ली है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बिरजराजनगर के पूर्व विधायक एवं डबल मर्डर मिस्ट्री के आरोपी अनूप साय का मृतिका के साथ पूर्व से अनैतिक संबंध थे। हत्या के 2 दिन पूर्व भी पूर्व विधायक के साथ मृतिका अनूप कुमार साय के साथ बिरजराजनगर के एक लॉज में ठहरी थी। तत्कालीन SP दीपक झा की टीम को जांच में ऐसे अहम सुराग मिले थे। वर्तमान रायगढ़ SP संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आरोपी जो कि पूर्व विधायक अनूप साय बिरजराजनगर ओडिशा के हैं उनका जल्द ही नार्को टेस्ट कराया जाएगा। आरोपी को पकड़ने के लिए लगभग 700 लोगों से पुलिस द्वारा बातचीत की गई थी। मृतिका कल्पना दास के पूर्व पति सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि 2005 से मृतिका कल्पना दास और उसके 13 साल की बच्ची बृजराजनगर के पूर्व विधायक अनूप साय के संपर्क में 2016 तक संपर्क में रहे। 7 मई 2016 को हमीरपुर रोड संबलपुरी गांव के आसपास मेन रोड में मर्डर कर बार बार उसके ऊपर गाड़ी से रौंदा गया था, जिससे रायगढ़ पुलिस को पहचान करने में काफी परेशानी हुई। कल्पना दास के पूर्व पति ने छत्तीसगढ़ रायगढ़ पुलिस को धन्यवाद दिया और आरोपी पूर्व विधायक अनूप साय को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। 3/2 के तहत एक मामला कैद किया गया था, जिसमें यह था कि हमीरपुर जो मार्ग पे साकंबरी प्लांट के पास 2 लोगों की डेड बॉडी मिली थी, एक महिला थी एक बालिका थी। और वहां जाने से देखने से यह ऐसा लग रहा था कि प्राइमरी रूप से तो वो एक्सीडेंट दिख रहा था, उसके उनके बॉडी पे कई बार टायर चढ़ाए गए थे, लेकिन देखने से थोड़ी देर में जब उसको प्रॉपरली चेक किया गया तो लगा कि इसका पहले मर्डर किया गया है, क्योंकि तो चोट के निशान भी ऐसा लगे कि जो मिक्स दिख रहे थे एक्सीडेंट में वो चोट के निशान है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जो इसमें आया कि इसमें किसी हार्ड ब्लंट चीज से पहले मारा गया है और उसके बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। ये अज्ञात हमारे पास डेड बॉडीज थी और जिसको ज्ञात उनकी शिनाख्तगी जो थी वही काफी बड़ा चैलेंज था। लगभग 1 साल बाद इनकी शिनाख्तगी हो पाई। इस बीच जो टीमें लगभग 6 राज्यों में बहुत सारे जिलों में हम लोगों ने भेजी थी, विशेषकर उड़ीसा, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, 6 राज्यों में टीमें लगातार भेजी गई, क्योंकि उस समय का आपको जो मीडिया के साथी हमारे हैं उनको उस समय आपको पता होगा कितना सनसनीखेज मामला था। आई जी साहब भी आए थे स्पॉट पे और मर्डर भी बड़ा ग्रूसम तरीके से हुआ था, इसलिए उनकी गुमशुदगी की तलाश, मतलब जितने थाने हो सकते हैं उनको गुमशुदगी जहां हम लोगों भेजे थी जो वहां दर्ज होती है उसको चेक करवाया। बाई चांस ऐसा हुआ कि ये जो शिनाख्तगी भी थी वो उड़ीसा में मृतिका जो है उसका एक रिश्तेदार पुलिस का कांस्टेबल था उड़ीसा पुलिस में, उसने वहां थाने में इसकी फोटो देखी, उसके बाद महिला की पहचान हो पाई। और एक बार पहचान होने के बाद इस बीच हम लोगों ने वहाँ के जितने टावर डम्स थे, कॉल डिटेल्स थे, उसके आधार पर हम लोग लगातार उसको तलाश कर रहे थे, लेकिन घटनास्थल पे मृतिका का मोबाइल हमें नहीं मिला। तो इसलिए ये संभावनीता कि उस टावर लोकेशन में इस महिला का कोई क्लू नहीं था हमारे पास कि हम उस मोबाइल से जाते। तो हम लोगों ने उसके बाद जब उसका शिनाख्तगी हो गई
तब उसके मोबाइल नंबर जब हम लिए और उस पर कॉल डिटेल्स खंगालने शुरू किए, इसमें बहुत ही प्राथमिक रूप से उस समय एक जो संदेह अनूप कुमार साई जो पूर्व विधायक है उड़ीसा के, इनके ऊपर संदेह गया था। इसमें जो स्टोरी आ रही है मर्डर का मोटिव वो ये है कि ये महिला 2005 में इसका जो पति पूर्व पति है सुनील श्रीवास्तव, उसने महिला को छोड़ दिया था, मतलब महिला डायवोर्सी हो गई थी, इसका नाम कल्पना दास था और उसकी एक पूर्व से एक बेटी थी बबली श्रीवास्तव, चूंकि वो सुनील श्रीवास्तव था और इसका नाम कल्पना दास था, तो ये भी कहीं उन्होंने दास लिखा हो कहीं श्रीवास्तव लिखा हो। 2005 के बाद ये लोग संपर्क में आए। 2011 में इस व्यक्ति ने भुवनेश्वर में एक फ्लैट लिया सुंदरपदा में, 3 मंजिला एक फ्लैट इसने वहाँ बनाया और उस पर कुछ किराएदार भी एक दो रहे थे, और 2011 से ये महिला उनके साथ लगातार संपर्क मतलब वहाँ रह रही थी। आप सोचिए कि 2011 से 2016 तक ये उसके साथ रहे थे। उसके बहुत सारे विटनेसेस हैं, ये विटनेसेस उस समय भी आए थे जब इस महिला की पहचान हुई थी, जब उन्होंने प्राइमरी रूप से इसको खोजना शुरू किया कि ये कहाँ रह रही थी, तो उस समय उन लोगों ने बताया कि ये इस जगह पर रह रही थी, और बाकी लोगों ने बताया कि ये पति पत्नी की तरह रहते थे, ये विधायक जो है ये वहाँ आते रहते थे, दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे, बल्कि जो लड़की थी उसका भी उन्होंने एडमिशन भी कराया था जिसमें पालक के रूप में इन्होंने अपनी एंट्री करवाई थी, और ये लोग दिल्ली विशाखापट्टनम हैदराबाद गोवा बहुत सारी जगहों पे गए जिसके रिकॉर्ड्स हम लोगों ने निकाल लिए हैं कि जो ये साथ साथ इनके जाने के रिकॉर्ड्स हैं। इस बीच ये महिला जो कुछ लॉयर्स से भी संपर्क में थी, इसलिए काम भी करती थी और प्रैक्टिस करती थी, संभवतः एक आध बार ये बिलासपुर भी कभी आती थी, जो इसका कहना है कि वो किसी और से संपर्क में भी थी, बिलासपुर भी आना जाना इसका होता था। महिला ने बाद में इसको बोला कि इतने साल से हम साथ रह रहे हैं तो शादी करने के लिए इसको बोला। मर्डर का मोटिव यही था, ये बोला कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं शादी नहीं कर सकता और इतने से मैं तुम्हारा खर्चा उठा ही रहा हूँ। लेकिन महिला उसको फिर उसने कहा कि प्रॉपर्टी में हमें ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो, क्योंकि ये काफ़ी पैसे वाले भी हैं। उसको लेकर के भी इन लोगों के बीच विवाद होने लगा, जो विवाद काफ़ी बढ़ता गया, तब इसने उससे तंग आ करके प्लान बनाया, और पहले जो इसका कहना था ये सिर्फ महिला को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन इसको लगा कि लड़की भी जो नाबालिग थी लेकिन बड़ी थी तो वो उससे इसको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इसने दोनों को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाया। इसके पूरे रिकॉर्ड्स हम लोगों ने खंगाले हैं। ये मर्डर जिस दिन हुआ है उसके ठीक एक दिन पहले ये लोग उड़ीसा के एक होटल में रुके थे, और वहां से ये लोग इसको इसने बताया कि तुम शादी का हम लोग रायगढ़ करेंगे, रायगढ़ में किसी मंदिर में हम लोग शादी करेंगे, और वो कह करके इसको पहले ओला से भी कुछ है किसी गाड़ी से इसने पहले उसको भेजा पीछे, क्योंकि ये उस होटल में खुद नहीं रुका क्योंकि झारसुगुड़ा और गुजरात नगर बहुत दूर नहीं है, तो ये वहां से आया। फिर इसका एक ड्राइवर है जिसका इसने नाम लिया है कि वो ड्राइवर जो इसका बहुत ही बर्मन टोपो, वो ड्राइवर और ये दोनों उसको बोले कि हम लोग रायगढ़ चलेंगे शादी के लिए, और उसके बाद ये लोग आए रायगढ़ में। इन्होंने पहले बोला कि हम लोग किसी होटल में रुकते हैं, फिर ये उसको गुमराह किया कि होटल अच्छा होटल नहीं मिल रहा है और कोई अभी दिक्कत भी हो सकती है, बहुत सारे मेरे यहाँ भी जानने वाले लोग हैं। दूसरा इसका वैसा ये भी करना रहता था कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, पहले कभी गुमराह करता था मैं शादी करूँगा, लेकिन फिर यहाँ गुमराह ये बताया कि होटल नहीं है। उसके बाद इसने कहा कि मेरे कुछ परिचित हैं हमीरपुर एरिया में, मैं हम लोग चलते नहीं, और वही इसने उसी के पास जंगल में पहले एक जैसा ये बता रहा है कि लोहे के रॉड से दोनों को मारा इन्होंने, और उसको वहाँ बॉडी फेंकने के बाद इन्होंने उसके ऊपर कई बार जो गाड़ी थी बोलेरो इसके ऊपर चढ़ा ताकि ये पूरी तरह से पहचान ना आ पाए, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि अचानक कोई उस समय कई सारी गाड़ियां गुजर रही थी, तो ये लोग हड़बड़ी में उसको छोड़ के वहां से
चले गए वापस। इसमें ड्राइवर जो है टोक्यो, वैसे ये सिर्फ एक का नाम बता रहा है, लेकिन हम लोग को अंदेशा है कि इसमें और भी कोई ना कोई शामिल हो सकता है। नाम बताएंगे कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है, ब्रजराज नगर झारसुगड़ा उड़ीसा से है। आज एक खुलासा हुआ है आपकी पत्नी की मौत की, हत्या की, पूर्व पत्नी की, पूर्व पत्नी की, सॉरी। बताएंगे उसके बारे में क्या कुछ आपको जानकारी है, किस तरह से उनका दोनों का रिलेशन रहा है, फिर विधायक और आपकी पूर्व पत्नी? देखिए 2004 से हम लोग अलग रह रहे थे और 2006 से लगभग जो मैं सुना हूँ कि जो विधायक थे, पूर्व विधायक थे, उनका संबंध था। क्या नाम है विधायक जी का? अनूप सर। हाँ, कहाँ से, कहाँ के विधायक? ब्रजराजनगर के विधायक जी। उनका संबंध था ये बहुत लोग जानते हैं, और 2011 में हमारा तलाक हुआ, केस चल रही थी, उसके बाद 2011 के आसपास में हमारा तलाक हुआ। 2016 को एक युवक मौत होने के बाद एक खबर मुझे एक साल बाद मिला। आपका कोई आना जाना बच्ची से मिलने? नहीं, तो आना जाना मिलना कुछ था आपका? नहीं, कुछ वैसा संपर्क नहीं। आपको कोई खबर मिली थी कि आपकी पत्नी लापता है या पूर्व पत्नी लापता है या गायब ऐसे परिवार? नहीं, खबर ये था कि ये जो विधायक जी हैं उसके साथ में वो कहीं भुवनेश्वर में उनको रखे हैं, ये खबर था। ये बहुत आपको यदि पता होता है कि मेरी पत्नी नहीं है, लापता है, तो जरूर आप पुलिस के पास जाते हैं? हाँ, नहीं, अपने बच्चे के लिए, बच्चे के लिए, पत्नी के लिए। एक साल तक आपने अपने बच्चे को नहीं खोजे? कोशिश किया था, लोग उनके जो सहेलियां हैं उनसे मैं पूछता था कि कहाँ है, तो नहीं, वो लोग ठीक है, भुवनेश्वर में है, यही जानकारी मिलता था। तो बेटी है, चलो भाई ठीक से है तो रहेंगे, बाकी मैं खुद मैरिज करके अपना लाइफ में अपना जिंदगी जी रहा था, तो ज़्यादा कुछ ये नहीं था। लेकिन 2016 को जो हत्या हुआ उसका एक साल बाद मुझे पता चला, सब एड चल रहा था, एक साल बाद जैसे ही पता चला मैं उसी समय कांटेक्ट किया यहाँ क्राइम ब्रांच को, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला ऐसा है फिर DNA वगैरह लिया गया, टेस्ट में वो मेरी बेटी निकली, क्योंकि बेटी को मैं पहचान भी नहीं पाया। अगर 5 से 6 साल के बाद तो मैं एक ही बैग वैसा चेहरा जो बर्बाद कर दिया गया है वही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस इंक्वायरी कर रही थी, तो आज आरोपी को पकड़ लिया गया है पूरी तरह से, अब क्लियर हो गया है कि मर्डर उन्होंने ही किया है, तो हाँ, इस बात की खुशी है आपको? बहुत खुशी है, और मैं छत्तीसगढ़ पुलिस का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो 4 साल पुराना केस को इन्होंने उजागर करके आरोपी को पकड़ा है। और ये हत्या नहीं है, ये बोले से जघन्य अपराध है। एक बच्ची जो 13 साल 14 साल की बच्ची, उसको क्या मालूम है? आपका प्रॉब्लम उस औरत से था, आप उस औरत के साथ क्या करते हैं अलग बात है। कड़ी सजा चाहते हैं बच्ची के हत्यारे के लिए? जी, कड़ी सजा चाहते हैं आप? बहुत सच्ची, उसको फांसी होना चाहिए, बच्ची को मारने के लिए फांसी होना चाहिए, बच्ची के लिए मैं डिमांड कर रहा हूँ, उस आदमी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और पुलिस से अनुरोध है कि जितना कड़ी से कड़ी हो सजा उसको। KSN 24 न्यूज़ के लिए बंसी निराला की रिपोर्ट।